पानीपत करनाल के लोकसभा में हमारे साथी श्री संजय भाटिया जी, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह जी, करनाल जिला परिषद की अध्यक्षा प्रवेश कुमारी जी, पानीपत जिला परिषद की अध्यक्षा ज्योति शर्मा जी, सभी जिला परिषद के सदस्यगण, लोकसभा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं में पंचायत राज संस्थाएं जो गांव के शासन का संचालन करती है सबसे महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम लोकतंत्र को सशक्त करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई पंचायत राज को सबसे मजबूत करना होगा। गांव के अंदर गांव की सरकार जितनी लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत होगी उतना ही बेहतर परिणाम और उतना ही बेहतर विकास और लोगों का कल्याण हम कर पाएंगे। इसलिए हमें समृद्ध कुशल भारत बनाना है तो हमें गांव को समृद्ध कुशल बनाना होगा, और ये होगा हमारी शासन व्यवस्था से, जहां हम लोगों की आकांक्षाएं अपेक्षाएं पूरी कर सकें। क्योंकि नित्य दिन आपका संपर्क सीधा जनता से रहता है, इसलिए गांव की सरकार, गांव की इंस्टीट्यूशन संस्थाएं कैसे संचालन हो, ताकि जो गांव से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो गांव की लोगों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं को सदन के माध्यम से रखें और उसको पूरा करें। और इसीलिए प्राइड ने आउटरीच कार्यक्रम के तहत इन संस्थाओं के संचालन, उनकी कार्रवाइयों को ठीक से चलने के लिए एक कार्य योजना भी बनाई है। क्योंकि इन सदनों को, जिला परिषद के सदनों को हम जितना बेहतर ठीक से संचालन करेंगे, जितनी देर तक इन सदनों के अंदर सदन की कार्रवाइयां चलेगी उतने ही बेहतर परिणाम आएंगे और यह संस्था जनता के प्रति जवाब दे रहेगी। इसलिए हमें एक नए मॉडल को तैयार करने की आवश्यकता है। जिला परिषद के सदन नियमित रूप से हों, जिला परिषद के सदस्यों को हर विषय जो उनके ध्यान में जनता में लाया है, कुछ बुनियादी मुद्दे हों, कुछ जनरल विषय पर जो जिले के हों उनके जनरल विषयों पर डिबेट हो, कार्यपालिका पर ठीक से नियंत्रण हो, उनकी जवाबदेही हो, ताकि शासन के अंदर निष्पक्षता आएगी, न्यायपूर्ण आएगा और पारदर्शी शासन रहेगा। इसलिए हमें सदन चलाते समय एक कार्य योजना बनानी चाहिए कि एक घंटा हमारा जिला परिषद के सदन का प्रश्नकाल की तरह होगा,
जिसमें अलग अलग विभागों के प्रश्न होंगे और उनके जवाब अधिकारी देंगे। 2 घंटे हमारे जो महत्वपूर्ण जिले के मुद्दे हैं, पानी, बिजली, अन्य मुद्दे, उन 3-4 मुद्दों पर चर्चा होगी। 1 घंटा हमारा शून्यकाल की तरह जनरल जो अन्य विषय हैं, उन विषयों को सदस्य उठाएंगे और अधिकारी जवाब देंगे। इस तरीके का सदन की कार्य योजना अगर हम चलाएं तो एक जवाबदेही प्रशासन होगा, पारदर्शी प्रशासन होगा और जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को हम पूरी कर पाएंगे। हमें भी जानकारी मिल पाएगी विभागों की, पंचायत राज से जुड़े हुए जितने विभाग जिनको जिला परिषद गवर्निंग करती है, क्या विकास के क्या मापदंड स्थापित किए हैं, जो विकास का प्लान बनाते समय पंचायत राज में ग्राम सभा हुई नहीं हुई, ग्राम सभा के बाद जिला पंचायत समिति, पंचायत समिति के बाद जिला परिषद, ये त्रय व्यवस्था पंचायत राज के अंदर है। इन तीनों स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अंदर अगर ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सभा हो जहाँ विकास का जितना पैसा आया वो कहाँ कहाँ खर्च होना चाहिए, किस मद में खर्च होना चाहिए, उसका प्लान बने और फिर लगातार ग्राम पंचायत स्तर पर उसकी मॉनिटरिंग हो। जो प्रस्ताव ग्राम पंचायत से ब्लॉक में भेजें या प्रधान या पंचायत समिति, जो भी अलग अलग राज्यों के अलग अलग नाम दिए जाते हैं, वहाँ पर उन विषयों पर चर्चा हो और जो प्रस्ताव आए जिला परिषद में उन जिला परिषदों पर इन सारे विषयों पर चर्चा हो। तो मुझे लगता है कि ठीक से सदन का संचालन होगा और हर सदस्य को अपने क्षेत्र की विकास की या बुनियादी मुद्दों को रखने का पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। जितनी सदनों की कार्रवाई ठीक से चलेगी उतने ही बेहतर परिणाम आएंगे, उतनी जवाबदेही होगी और फिर उसकी प्रोसीडिंग हो, अगली बैठक में उस प्रोसीडिंग की फिर चर्चा हो कि इन इन मुद्दों पर इन इन पर फैसले हुए थे, इतने समय पर इन इनको पूरा करना था, क्यों नहीं हुआ, किस कारण से नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि बेहतर सदन चल सकता है, इसलिए जिला परिषद एक महत्वपूर्ण संस्था है और इस महत्वपूर्ण संस्था के सदस्य होने का गौरव आपको प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है कि अगर हम ठीक से योजना बनाएं तो इस गांव की सरकार को हम पारदर्शिता और जवाबदेही तरीके से चला सकते हैं। आप संसद की कार्रवाई को देखने आए, देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में सदन में सर्वोच्च संस्था संसद है और यहाँ के अनुभव, यहाँ की डिबेट, यहाँ की चर्चा, यहाँ के वाद विवाद, इन सबको देखने और पढ़ने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा ताकि और अच्छी आप डिबेट चर्चा कर पाएंगे। आप यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।